कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज है, सिंगल प्याज है, इसे हमने रफली से चॉप किया और ऑयल में ऐड कर दिया। इसके बाद हम कुछ खड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो 3 बे लीफ, 4 हरी इलायची, थोड़ी सी जावित्री का क्रश कर दिया हमने, 4-5 लौंग, 15 दाने काली मिर्चों के, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा और 2 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा ऐड कर दिया और इन मसालों के साथ प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम एक मसाला तैयार करेंगे जो दही में डाल के बनाएंगे। तो यहाँ पे 50 से 60 ग्राम दही है, करीब 4 से 5 टेबल स्पून। इसमें हम कुछ पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर। और इतने स्पाइसेस ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से दही में मिला देंगे और एक साइड रख देंगे। और यहाँ पे प्याज हमारी देखिए लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे अच्छी तरह से वॉश किया हुआ गोश्त, जो कि करीब 750 ग्राम है, 3 पाव के करीब है, 1 किलो से कम है, ये ऐड कर देंगे। और अब इसे 1.5 से 2 मिनट मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं होता। तो गोश्त अपने पसंद का आप कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा हड्डी वाला मिक्स लेंगे तो सालन में जायका अच्छा आता है। तो यहाँ पे गोश्त का कलर चेंज होने तक हमने भून लिया। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो हमने मसाला तैयार किया था दही में, वो ऐड कर देंगे। और अब एकदम ऑयल अलग हो जाने तक और जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है मसालों का, वो खुश्क हो जाने तक खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे छोटी बड़ी मिला के करीब 8-9 प्याज और 2 टमाटर हमने यहाँ लिया है। और यहाँ पे प्याज बराबर जाती है, लेकिन थोड़ी कम कर सकते हैं। यहाँ पे गोश्त हमारा 750 ग्राम है, तो 500 से 600 ग्राम तकरीबन हमने प्याज ली है। और अब टमाटर और प्याज की कटिंग करके रख लेंगे। तो सबसे पहले टमाटरों को बारीक बारीक काट लेके, यहाँ टमाटरों को थोड़ा सा बारीक ही कटिंग करना, तो इस तरह से कैंची से हमने बारीक काटा है ताकि वो अच्छे से सालन में घुल जाए। तो अब प्याज की भी हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो प्याज की कटिंग करने के लिए ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी है, बस रफली सा इसे स्लाइस करना है। और यहाँ पे भूनते हुए गोश्त में बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और लो टू मीडियम हीट पर अब इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि इसका पानी पूरी तरह खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त पूरी तरह से खुश्क सा दिख रहा है, यानी कि पानी इसका बिल्कुल सूख गया है, अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल देखिए बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे हम दोबारा नहीं भुनेंगे। पानी लगा के जब सीटी लगाएंगे तो इसे दोबारा भुनाई नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे हम अपनी कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और लो टू मीडियम हीट पे चलाते हुए प्याज के नरम हो जाने तक, ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे भुनेंगे। तो करीब 7 से 8 मिनट हमने इसे लो टू मीडियम हीट पर प्याज को भून लिया। आप देख सकते हैं प्याज हमारी लूज सी दिख रही है और इसमें हल्का फुल्का जो पानी आया था वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम ग्रेवी लगाएंगे, तो ग्रेवी इतनी लगाएंगे जितना हमारे सभी गोश्त वगैरह अच्छे से डीप हो जाए। आप अपने फैमिली के हिसाब से भी इसमें ग्रेवी लगा सकते हैं, ये पतला सालन भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा कम थिक सा जैसे हम यहाँ बना रहे हैं ऐसा भी रखेंगे तो भी अच्छा लगता है। और आप कुकर को कवर कर देंगे इसके लिड से और अब एक सीटी हाई फ्लेम पर आने के बाद हीट को लो टू मीडियम कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट अपने गोश्त को गलाएंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है टाइम आपके गोश्त के हिसाब से कि आपका गोश्त कितना देर में गलने वाला है, कैसा गोश्त है, कम टाइम में गलने वाला, तो उसी हिसाब से आप सीटी लगाइएगा। और अब 20 मिनट पकाने के बाद हमने वेट किया कुकर को ठंडा होने का। तो यहाँ पे देखिए स्टीम पूरी तरह से नेचुरली रिलीज़ हो चुकी है, अब हम इसे खोल के देखेंगे। तो कुकर को खोलना नहीं है स्टीम उठा के, वरना इसका रोगन जो है फट जाएगा, उड़ जाएगा, जिससे लुक भी ख़राब आता है और जायका भी ख़राब होता है। अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्टली हमारी रेसिपी डन है, बस इसे हम 5-7 मिनट पकाएँगे थोड़ी देर। तो अब यहाँ पे हम 5 से 6 हरी मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे और हरी धनिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हरी धनिया हम 2 बार ऐड करेंगे, एक बार अपने सालन में अंदर पकाते हुए ऐड करेंगे, सही से ऐड करेंगे, 1.5 मुट्ठी ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा सा जायका फ्लेवर आता है सालन में। और अब दोबारा से हमने इसे हीट पर रख दिया, जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो हीट को लो कर देंगे और 10 मिनट इसे हम कुक करेंगे। यहाँ पे आपको इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर लेना है, नमक मिर्च जैसा अगर कम लगे तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और वैसे तो ये इसी तरह से बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं और कुछ लोग इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी ऐड करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं ऐड किया। आप चाहें तो इन फ्लेवर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हीट को बिल्कुल लो कर देंगे और ढककर इसे तकरीबन 10 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे लो हीट पे हमने तकरीबन 10 मिनट इसे पका लिया है, हीट को यहाँ पे बंद कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल परफेक्टली डन है, हमारा प्याज गोश्त वाला सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका जायका आप अगर अपने अभी तक इसे नहीं बनाया तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने मनपसंद चावल रोटी के साथ सर्व करें। अब ऊपर से भी हमने थोड़ी फ्रेश हरी धनिया ऐड करना है और इसे सर्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी हांडी कितनी लजीज नज़र आ रही है, तो ज़रूर बनाइएगा, हो सके तो इसको खमीरी रोटी के साथ सर्व कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो ज़रूर बनाएं और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपको अपना बचपन ज़रूर याद आ जाएगा इस रेसिपी के साथ। इसके सालन में प्याज की हल्की सी स्वीटनेस आती है और ये बहुत टेस्टी और जायकेदार लगता है, तो ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फैमिलीज और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।